नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, सीएम बनते ही एक्शन मोड में आए देवेंद्र फडणवीस। साइन किया ये पहला फाइल क्या है, चलिए जानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यभार संभालने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग की। इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार मौजूद रहे। फडणवीस ने अपनी पहली फाइल पर साइन करते हुए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की प्रतीक्षा कर रहे एक मरीज को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रस्ताव की मंजूरी दे दी। दरअसल पुणे के रहने वाले चंद्रकांत कुहाड़े की पत्नी ने अपने पति के इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद मांगी थी। मुख्यमंत्री ने पहला कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने से पहले फाइल पर अपने हस्ताक्षर किए। बता दें कि एक दमदार वापसी करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार शाम को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन के नेताओं एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने दक्षिण मुंबई के विशाल आजाद मैदान में एक भव्य समारोह में उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। किसी अन्य मंत्री ने शपथ नहीं ली। एक भाजपा नेता ने कहा कि अगले हफ्ते नागपुर में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। समारोह के तुरंत बाद तीनों नेता एक साथ दक्षिण मुंबई में स्थित राज्य सचिवालय मंत्रालय पहुंचे, जहां 54 वर्षीय फडणवीस ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया सरकार को सही करता है जब वे गलत होते हैं। कई बार हम मीडिया के सामने अनजान बन जाते हैं। हमारा महाराष्ट्र अब नहीं रुकेगा। पिछले 2.5 सालों से महाराष्ट्र ने जो गति पकड़ी है वह सभी क्षेत्रों में जारी रहेगी। हमारी भूमिकाएं, हमारी दिशा बदल सकती है। मेरे शिंदे और पवार के बीच समझ एक जैसी होगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अपने घोषणा पत्र के दिए गए आश्वासनों को पूरा करना है। यह सरकार पारदर्शी तरीके से काम करेगी। ये 5 साल पहले विपक्ष के खिलाफ के नहीं बल्कि काम के होंगे। लाडली बहन योजना को हम जारी रखेंगे। योजना में अभी 1500 रुपए दे रहे हैं और इसे बढ़ाकर 2100 रुपए करेंगे, लेकिन पहले हम आर्थिक शोष मजबूत करेंगे, फिर इसे बढ़ाएंगे। हम बजट मार्च में राशि बढ़ाएंगे। हम कुछ आवेदनों की पत्रता की जांच करेंगे, सभी की नहीं, कुछ आवेदनों में विसंगति हो सकती है। सीएम फडणवीस ने कहा कि मुंबई विधानसभा 9 दिसंबर को प्रस्तावित है, पहले स्पीकर का चुनाव, नागपुर विधानसभा सत्र के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार। हमने विभागों पर लगभग फैसला कर लिया है। वर्तमान मायावती सरकार की तुलना में विभागों में कुछ बदलाव होगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। मैं नदी कनेक्शन परियोजना पर ध्यान केंद्रित करूंगा। तो कुछ इस तरीके से शाइन किया है, एक मरीज की जान बचाई है, ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने फैसला लिया है उस पर आप अपनी राय बताइए। धन्यवाद।